नमस्कार, जीटिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। दिल्ली में हवा और पानी दोनों जहरीले, यमुना में सफेद झाग, AQI बेहद खराब, लोगों को सांस लेने में परेशानी, कालिंदी कुंज में दूषित यमुना, शहर में धुंध का कहर। ब्रिक्स में डॉलर पर निर्भरता घटाने का बड़ा एजेंडा, रूस चीन की कोशिशों के बीच भारत संभलकर खेलेगा अपने पत्ते, पीएम मोदी के संबोधन में रहेगा ये मुख्य मुद्दा। रूस में भारतीय फिल्मों की जबरदस्त लोकप्रियता, राष्ट्रपति पुतिन ने बॉलीवुड की तारीफ की और ब्रिक्स की बढ़ती अहमियत पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंतित रहते हैं और हर बातचीत में उसे उठाते हैं, आभार व्यक्त किया। भारतीय वैज्ञानिकों की जबरदस्त खोज, मंकीपॉक्स की जांच के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित, 40 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट, खास कागज वायरस पॉजिटिव होने पर गुलाबी से पीला हो जाता है, कहीं भी जांच संभव। दिल्ली सरकार धूल प्रदूषण पर सख्त, 523 टीमों का गठन किया गया, अब तक 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण हुआ, 76 साइटों पर नियमों के उल्लंघन पर नोटिस और 17.4 लाख का जुर्माना लगाया गया, एंटी डस्ट अभियान जारी है। रेलवे से रिटायर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 65 साल से कम उम्र वालों को दोबारा नौकरी का मौका, 25,000 पदों पर भर्ती शुरू, मेडिकल फिटनेस जरूरी, अंतिम सैलरी से पेंशन घटाकर वेतन मिलेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर बड़ा कदम, LG मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी, केंद्र सरकार से विधेयक पारित कराने की मांग, उमर 2 दिन में पीएम मोदी से मिलेंगे, डिप्टी सीएम बोले केंद्र वादा पूरा करे। राजनाथ बोले AI से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता, इनके पास डिसीजन मेकिंग सिस्टम, मिलिट्री लीडर्स में जियोपॉलिटिक्स की समझ जरूरी। CGI चंद्रचूड़ का जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चेतावनी, हाशिए पर पड़े लोग सबसे ज्यादा प्रभावित, एकजुट प्रयासों और अतीत से सबक लेने की जरूरत पर जोर, देश को सतर्क किया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून पर पलटा अपना फैसला, केंद्र की पुनर्विचार याचिका स्वीकार, CGI चंद्रचूड़ की पीठ ने पूर्व CGI NV रमणा के फैसले को वापस लिया। मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर बम फेंके, CRPF और पुलिस मौके पर, फायरिंग जारी, महिलाओं बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का दायरा बढ़ेगा, अब घरेलू सहायक, सफाई कर्मी और निर्माण श्रमिक भी होंगे शामिल, केंद्र सरकार शुरू करेगी नई योजना, शहरी गरीबों को मिलेगा बड़ा लाभ। CGI चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया, पर संसद में विपक्ष नहीं है, कोर्ट के फैसले पर आलोचना ठीक नहीं, तकनीक से सुधार की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र में NDA के बीच सीट शेयरिंग फाइनल, शाह के घर 2 घंटे बैठक चली, भाजपा 155, शिवसेना सिंधे 78 और NCP अजीत गुट 55 सीटों पर लड़ेंगे। झारखंड चुनाव, BJP की पहली लिस्ट में 66 नाम, पूर्व CM चंपई सरायकेला से उम्मीदवार, मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा की पत्नियों को भी टिकट। राहुल गांधी का सशक्त संदेश, महिलाओं को दफ्तरों में सिंबॉलिक पद नहीं स्वीकारने चाहिए, अपने हक के लिए लड़ें और बड़े पदों की मांग करें, विचारधाराओं की लड़ाई आज की हकीकत है। रक्षा क्षेत्र में भारत बनेगा तकनीक का हब, राजनाथ सिंह ने युवाओं के लिए बड़े प्लान का ऐलान किया, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और अंतरिक्ष में नए रक्षा आयामों पर जोर। हरियाणा में दिवाली से पहले खुशियां, बिना खर्ची पर्ची के 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, मजदूर की बहू बनी सिपाही, बेटा क्लर्क, मां खुशी से रो पड़ी, भाजपा सरकार ने रचा इतिहास। हिमाचल के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा, 75 साल से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को पूरा एरियर, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 20% एरियर, नोटिफिकेशन जारी। संयुक्त राष्ट्र का चौंकाने वाला खुलासा, दुनिया में 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में, भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे, 5 सबसे गरीब देशों में भारत शामिल। वर्ल्ड बैंक का चौंकाने वाला खुलासा, शादी के बाद महिलाओं को रोजगार दर में 12% गिरावट, जबकि पुरुषों की बढ़ी 13%, सामाजिक दबाव, पारंपरिक भूमिकाएं और वर्क प्लेस चुनौतियां जिम्मेदार। CM योगी की गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश योजना तेजी से आगे, 25 अक्टूबर से निर्धनतम परिवारों का चयन शुरू, 2.70 लाख नाम सत्यापन में, 1.81 लाख गणनाकारों का डाटा अपलोड। राहुल गांधी का बड़ा बयान, 50% आरक्षण तोड़ने की बात, कांग्रेस JMM झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेंगी, राजद को 7 सीटें ऑफर, भाजपा पर आदिवासी इतिहास खत्म करने का आरोप लगाया। बहराइच में बुलडोजर का खौफ, बवाल के बाद नोटिस चस्ता होते ही लोग खुद अतिक्रमण हटाने लगे, ट्रालियों में भरकर सामान निकाल रहे दुकानदार और मकान मालिक, प्रशासन सख्त। दिल्ली में सस्ता प्याज, कांदा एक्सप्रेस 1600 टन प्याज लेकर 20 अक्टूबर को पहुंचेगी, सरकार 35 रुपए किलो पर बेचेगी, जबकि मौजूदा खुदरा कीमत 75 रुपए से ज्यादा है। ओडिशा की आदिवासी महिला ने पीएम मोदी को 100 रुपए भेजकर सम्मान जताया, पीएम मोदी ने कहा, नारी शक्ति का आशीर्वाद मुझे विकसित भारत के लिए प्रेरित करता है, भावुक प्रतिक्रिया। UP सरकार ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, नगर निकायों को 1200 करोड़, पंचायती राज संस्थाओं को 800 करोड़ की धनराशि मिलेगी।
योगी सरकार की बड़ी सौगात, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में 2250 बायोगैस संयंत्र लगेंगे। किसानों को 4000 से 40000 का लाभ मिलेगा, स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद भी। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी 21 अक्टूबर को शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। बलिदानी रोहित और सचिन के प्रियजनों को सम्मानित करेंगे। पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी घोषणाएं भी होंगी। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, सीएम धामी ने सहकारी समितियों में 33% और सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण लागू किया। राज्य में महिलाएं शीर्ष प्रशासनिक पदों पर भी काबिज। बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे शुरू, पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर मार्ग पर विचार। रक्सौल से हल्दिया तक 6 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगा। पंजाब में धान खरीद न होने से गुस्साए किसानों का हंगामा, मंत्रियों विधायकों के घरों का घेराव, टोल प्लाजा फ्री किए। सरकार को चेतावनी, 20 अक्टूबर तक मांगे नहीं मानी तो लाडोवाल भी फ्री करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान, ये साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक। जवान अब इस ध्वज की प्रतिकृति को वर्दी पर गर्व से धारण करेंगे, सीएम साई का संदेश। हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, सीएम सुक्खू ने विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। हिमाचल में सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी लोग अब धारा 118 की जमीन पर गेस्ट हाउस नहीं चला सकेंगे, होम स्टे के लिए पंजीकरण अनिवार्य, बिजली पानी व्यावसायिक दरों पर मिलेगा। जम्मू कश्मीर में तहसील स्तर पर आयुष मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, ग्रामीणों को उपचार की सुविधा मिलेगी। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए हर घर आयुष योग अभियान शुरू होगा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी का पंजाब में तगड़ा विरोध, SGPC का ऐलान, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे रिलीज। महाराष्ट्र चुनाव में स्पा का बड़ा दाव, 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित, अखिलेश यादव बोले जीतने की क्षमता वाली सीटों पर ही लड़ेंगे, MBA से सीटों पर बड़ी मांग भी रखी। ईडी का आरोप, खाड़ी देशों में 13,000 एक्टिव PFI मेंबर्स, इन्हें करोड़ों में फंड जुटाने का टारगेट, भारत में आतंकियों तक हवाला से पहुंचाई रकम। बांग्लादेश के कानून मंत्री बोले शेख हसीना का प्रत्यर्पण जरूरी, भारत ने मना किया तो विरोध करेंगे, कोर्ट ने 18 नवंबर तक मोहलत दी है। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि और सीएम स्टालिन के बीच तनाव, द्रविड़ शब्द हटाने के आरोपों पर सीएम ने राज्यपाल को हटाने की मांग की, रवि ने इसे घटिया हरकत बताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार, 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी बरामद, मंदिर अस्पताल में हमला करने वाले थे। शत्रु संपत्ति बेचने के नियमों में बड़ा बदलाव, 1965 और 1962 के युद्धों के बाद पाकिस्तान चीन गए लोगों की संपत्तियां अब मौजूदा कब्जाधारियों को प्राथमिकता पर बेचने का अधिकार, नीलामी तभी होगी जब वो इनकार करेंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन करते हुए कहा, हम इतिहास फिर से लिखने आए हैं, किसानों के योगदान की सराहना करते हुए 2 साल में बुनियादी ढांचा तैयार किया। तेलंगाना में हिंदू मंदिरों पर हमले से भड़की VHP, राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान, कांग्रेस सरकार पर लापरवाही के आरोप, हैदराबाद में प्रतिमाओं को खंडित करने का विरोध। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष होंगी विजया राहटकर, अर्चना मजूमदार की सदस्य के रूप में नियुक्ति। आरजीकर केस में बड़ा मोड़, दुष्कर्म और हत्या के विरोध में अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से सीएम ममता बनर्जी ने फोन पर बात की, अनशन खत्म करने की अपील, सोमवार को मुलाकात का वादा। सीएम योगी फिर बने भाजपा के सक्रिय सदस्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए लोगों से जुड़ने की अपील, पार्टी मजबूत करने और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ नारायणपुर में गश्त से लौट रहे ITBP जवानों पर नक्सली हमला, IED ब्लास्ट में 2 शहीद 2 घायल। UN में भारत का बड़ा दावा, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, स्नेहा दुबे ने सरकारी नीतियों और खाद्य सुरक्षा को इसका श्रेय दिया, साथ ही बाजरे के पोषण गुणों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का संकल्प लिया। बुरे फंसे जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का अफसर आतंकी गतिविधियों में शामिल, भारत ने ट्रूडो सरकार को भेजी तस्वीर और नाम। प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध रोक सकते हैं तो पराली का धुआं क्यों नहीं, सीएम मान ने केंद्र पर जमकर बोला हमला। हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के निजी आवास पर ड्रोन अटैक किया, PMO बोला होम टाउन सिसेरिया में हमला, इजरायली PM और परिवार मौजूद नहीं था। PFI की साजिश का खुलासा, ED ने कहा भारत में इस्लामी निजाम लाने और गृह युद्ध छेड़ने की कोशिश, करोड़ों की संपत्ति जब्त, आतंकी संगठन पर बड़ा सिकंजा। ईरान ने हमास चीफ सिनवार की मौत को शहादत बताया, बदले की धमकी दी, खामनेई बोला हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा, इसराइल को स्पष्ट चेतावनी। लॉरेंस बिश्नोई के समर्थकों का गुस्सा उबाल पर, अब राहुल गांधी को लेकर बवाल, ओडिया एक्टर बुधादित्य मोहंती के विवादित पोस्ट से मचा हड़कंप, एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। बरेली नगर निगम का कड़ा कदम, हाउस टैक्स पर 10% छूट का लाभ देने के लिए रविवार की छुट्टियां रद्द, वसूली तेज करने के लिए वार्डों में कैंप बढ़ाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सवाल, पड़ोसी देशों में हिंदुओं की दुर्दशा पर दुनिया क्यों चुप, मानव अधिकार उल्लंघन पर चेतावनी दी, सहिष्णुता दिखाना पूरी तरह अनुचित बताया। गोरखपुर में बंद दुकान से 4 करोड़ के नशे की दवाओं की बिक्री, NCB के छापे में दुकान गायब, मालिक अंदर गुप्ता पर शक, 1 नवंबर को लखनऊ तलब।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे।